वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम हेल्थ के टिप्स। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए इंडियन फेमस स्वीट इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन रेसिपी लेकर आए हूँ। गुलाब जामुन एक ऐसा स्वीट है जिसे हर कोई पसंद करता है। इस वीडियो में हम स्वास्तिक इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामुन बनाने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। गुलाब जामुन इंस्टेंट मिक्स में हम मिल्क या वाटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो वाटर भी ऐड कर सकते हो। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सॉफ्ट डो हो, और इसे हम कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे, जैसे 10 to 15 मिनट्स। अब हम यहाँ पर शुगर सिरप बना लेंगे। इसमें मैंने 1/2 kg शुगर ऐड की है और इसे कुछ देर बना पका लेंगे। और इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे, आप चाहो तो इलायची भी डाल सकते हो, कार्डमम। अब यहाँ पर मैंने पाउडर ऐड किया है इलायची का। यहाँ शुगर सिरप रेडी हो चुका है, अब हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। पर हमने रेडी कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो। घी में इस्तेमाल करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्लेम ज़्यादा हाई होनी नहीं चाहिए, हमें लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे पैन से निकाल लेंगे। सारे फ्राई किए हुए जामुन को अब हम शुगर सिरप में ऐड कर देंगे और कुछ घंटे के लिए छोड़ देंगे। यम्मी डिलीशियस गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। अब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे सर्व कर सकते हो। और यहाँ मैंने चमचम टाइप मैंने लंबे वाले गुलाब जामुन बनाए हैं, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसको भी हम शुगर सिरप में ऐड कर देंगे। गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, तो आप जिस तरह चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स।